शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर 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 बह रही है, कोई अन कही कोई अन सुनी बात धीमी धीमी बढ़ रही है, कहीं ना आपको समझ गया रहेगा कि अभी हम लोग कहाँ पे, हम लोग अभी है मालपे में। जी हाँ, मालपे, ये मतलब एक ब्यूटी ऑफ कोकन। जी हाँ, काफी खूबसूरत है ये जगह, ये गांव काफी खूबसूरत है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये मालपे गांव। सो आज आप लोगों को मैं यही गांव घुमाने वाला हूँ। जी हाँ, और हमारे साथ में आज मुस्तैब मजगांवकर, मुस्तैब मामू साथ में रहेंगे, जिनकी सुरेली आवाज़, मधुर आवाज़, गुलाबी आवाज़ जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और ये अपने हमराही मेरे हमराही चल रहे आगे, चलो 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 चलो। शायद ही आप लोगों को ऐसा एक केरला वाली फीलिंग आ रही होगी, ये गांव देख के आप लोगों को केरला की फीलिंग आ रही होगी। काफी खूबसूरत गांव है ये। तो ये है मालपे, काफी खूबसूरत गांव है ये, छोटा सा गांव है, सुकून गांव है, खूबसूरत गांव है ये। और ये जो मस्जिद है वो इस गांव की जामा मस्जिद है। ये जो आप लोगों को सामने नजर आ रही है वो दरगाह है, ये यहाँ पर जामा मस्जिद है। ये मेरी टीम है, आप लोग देख सकते हैं, मुझसे मजगांवकर, जुहैर साकरकर और अल्तमश पावसकर, और मैं सोलकर, हर एक के नाम में कर कर है, आगे आगे का सब चेंज है। हाँ, ये गांव है और ये गांव की छोटी सी नहीं, बड़ी है, बड़ी है। पानी भी माशाल्लाह है। हाँ यार, छोटी सी है ना। और ये सब घर है ना, जी हाँ, मट्टी के घर, मातीचं घर आणि चुलीवरचं जीवन। मातीच्या घरामध्ये कसं आहे माहिती आहे तुम्हाला, जर गर्मी पण असली ना तर मातीच्या घरामध्ये थंडगार असं फील होतो। हे घर बघा, पूर्णपणे मातीचं तयार केलेलं आहे आणि खूप जुनं, अतिशय जुना घर आहे हा। पुराने घर आहे, पुराने घर आहे ना, पुराने घर की बात ही कुछ अलग है, पूरा मट्टी का घर है, मट्टी का घर है, आप लोग देख सकते हैं, पूरे मट्टी का घर है, आजू बाजू का एतराफ, अरे पूरा मतलब पूरा आपको गांव का फील आएगा। ये सब गांव में अगर आप लोग आते हैं ना, ये छोटे से गांव है, पूरा गांव का फील आएगा आप लोगों को, देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये अभी जो है ना, ये ब्रिज है, नया ब्रिज बनाया गया है, वो है ना वो जुना वाला ब्रिज, वो कोलकाता का हावड़ा वाला याद दिलाता है, और ये अपना नया वाला ब्रिज है। एंड अपने को बैकग्राउंड चाहिए था, केरला वाला फील चाहिए था, सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर आए। अब यहाँ पर बैठ के मुस्तैब मामे अपना जो सॉन्ग है वो कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर खेतीबाड़ी भी होती है, तो आप लोगों को खेतीबाड़ी भी दिखाता हूँ मैं, पर खेतीबाड़ी भी होती है, मतलब खाड़ी है, समंदर है, खेतीबाड़ी होती है एक ही जगह में, और क्या क्या चाहिए आपको। सो आप लोगों को अभी मैं ये खेतीबाड़ी दिखाता हूँ। तो पहले क्या होता था, बैल हल चलाते थे, बट अभी ये सेम मशीन है, उससे हल चलाते हैं। आप लोग देख सकते हो, ये खेती बाड़ी यहाँ पर हो रही है, मतलब कोकण स्वर्ग, एवा कोकण आपला जसा। तर हे बघा मित्रांनो, तो देखो ये ऐसा अपना खूबसूरत गांव मालपे गांव, काफी यादें जुड़ी है इस गांव से। यहाँ पर मुस्तैब मामे, जी हाँ मुस्तैब मजगांवकर, अपना एक गाना शूट करने वाले हैं, गाना गाने वाले, और वो मैं शूट करने वाला हूँ। सो मामे यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, और अब देखते कौन सा, मेरी फरमाइश है, चल छैया छैया छैया। ये फील तुम्हारा फक्त कोकणात भेटणार आहे, बाकी कुठे तुम्हाला हे फील भेटणार नाही। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर 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 बह रही, कोई अन सुनी बात
धीमी धीमी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मिल जाए हम दोनों जिस राह पे अगर पे अक्सर वहां से हम शायद यही गाँव कड़े सीन है नेहमे आठवणीत राहतात तर हे बघा हे नेहमे आठवणीत राहतात गेले ते दिवस राहिले ते आठवणी देखो एक कैमरामैन का क्या हाल होता है पसीने से लथपथ हो चुके हैं जिसे खून से लथपथ होते हैं उसी तरह से पसीने से लथपथ हो चुका हूँ मैं जी हाँ मतलब एक कैमरामैन को शूट करने में बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है अब शूट करते टाइम बहुत सारा पसीना भी आता है अब देखते हैं वहाँ का शूट कैसा होता है सो चलो चलते हैं ए नैना मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं तुमसे पहले करता था हे बड़े भैया मैं ओगी हूँ ओगी मुझे भूल गए तुम हे बड़े भैया ये कॉकरोच मुझे बहुत सताते हैं ओए मेरे भाई को छोड़ दो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा ओए अहो मेरा नाम है बॉब मैं तेरी कर दूंगा डाकी टिके अहो माका मेरे को फूकने का बहुत मन करता है माल फूकने का है ए भाई माल ला के दे मेरे को फूकने का मन करता है बहुत मालूम है हमका इतना भी छोटा नहीं है वो रह सकता अपना अपना घर में तुमरा ऊपर भी कौन भगवान है का पीके 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 Thank you.
देखो आपकी नज़र के सामने खूबसूरत सनसेट। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टैलेंट दिखाया, टैलेंट की कदर मैं बहुत करता हूँ। मुस्तैब मामे, फरदीन भाई और आफिफ मजगावकर, काफ़ी अच्छा टैलेंट है इनके पास। अभी हमको मालूम हुआ है महबूब चाचा ऐसा बोले कि ये जो नदी है ना, इसको सुख नदी बोलते नेमीच नक्कीच इतने सुख आहे। या साइडला उपले हा गाव आहे आणि या साइडला मालपे हा गाव आहे। तर हे बघा मित्रांनो, सुख नदी या नदीचं नाव। आणि आता आपण एक खूबसूरत ऐसा सनसेट देख रहे हैं। अभी हम लोग एक छोटी सी नाव में, और ये नाव चला रहे मुस्तैब मजगावकर, अल्तमश पावस्कर, अरिजीत सिंह और जुवेर साकरकर। और महबूब चाचा की ये छोटी सी नाव है, कभी आते हैं तो हमारा नाम जरूर लो। बोलो राहित भाई का वीडियो देख के आए। इधर ही खत्म हुआ। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये छोटा सा गांव अच्छा लगा है जी, आप लोगों को अगर मुस्तैब मामू की सिंगिंग पसंद आई है, उनकी आवाज पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। तो क्या बोलते हैं फिर, खुदा हाफिज, मिलते हैं वापिस अगली वीडियो में। लव यू ऑल।